तेरी भैंस की इस सदी की पहली लौंडिया। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट। अरे यही तो है, अब की बारी ना, इसको सही से साफ कर देना। दोस्तों से मिलने जा रहे हो? चलो साथ में चलते हैं। ऑफिस जा रहे हो? चलो साथ में चलते हैं। टट्टी कर रहे हो? कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया तुमने पिंकी चौधरी को, मुझे तो डर है कहीं। ये है YouTube की लेडी भी। क्या हुआ पिल्लू, कमर लचक गई क्या? जिनके सामने सब हो जाते हैं फिर। भैया दो पानी पूरी लगाना। अगर इनसे ले ले कोई पंगा, 32 भी लाओ भाई, थोड़े और तीखी लगाओ, तो ये कर देती हैं दंगा। नाम है इनका स्वरा। लड़की छेड़ेगा, लड़की छेड़ेगा। है ना मजेदार? तो आज हैशटैग स्टार फंडा में आपकी मुलाकात हम इसी धाकड़ लड़की से कराने जा रहे हैं। वेरी वॉर्म वेलकम, आप देख रहे हैं हैशटैग स्टार फंडा और हम आ गए हैं इंटरव्यू करने द फेमस यूट्यूबर स्वरा का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर ऑन द शो, और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो अभी देख रहे हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स में से हैं, जो स्पेशली ये चैनल खोल के अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। शक्लें देखी थी उनकी, ऐसे लग रहा था शरीर का सारा। वैसे तो स्वरा है बोल्ड और बिंदास टाइप की, इसका नमूना हम आपको दिखा ही चुके हैं, लेकिन जो लड़की किसी की भी बोलती बंद करा सकती है उसकी भी एक कमजोरी है। अरे अरे क्या चुप रहो तुम, फेक को कहीं की सीधे चलते चली आ रही अपनी मस्ती में। अरे दूसरा आदमी किस मूड में आ रहा है पता भी है तुम्हें कुछ? देखा कैसे इन जनाब ने स्वरा की ही बोलती बंद करा दी। इतना एटीट्यूड किस बात का है? कभी मिल गया ना मेरे को, बिना पीटे छोड़ूंगी नहीं उसको। चलिए अब आपको स्वरा के बारे में बताते हैं। दिमाग कहीं की क्या देख रहा है? हाँ? अरे? क्या देख रहा है? क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? फिल्म चल रही है? पिक्चर चल रही है क्या? हाँ? क्या? निकल, चल निकल। इनका पूरा नाम है स्वरांजलि चौधरी। जनवरी 1997 को दिल्ली में जन्मी स्वरांजलि सोशल मीडिया की फीमेल कॉमेडियन है। मुझे लगता है ये मॉडल ही खराब हो गया है, तो आप किसी को भेजो ना। मैंने तो ये सारे चेक्स कर लिए ऑब्वियसली। क्या कौन सा तार कह रहे हो आप? लो ये मैंने निकाल के देख लिया। लो चलेगा कैसे? ये चालू ही नहीं हो रहा है, नेट ही नहीं आ रहा। मुझे तो ये नहीं समझ आता आप इतने पैसे ना हर महीने किस बात के लेते हो। इंटरनेट ऑब्वियसली पावर का बटन ऑन है। आप ना भैया ऐसा करो, आप रहने दो, मैं ना अपने आप ही देख लूंगी। ठीक है, थैंक यू। ये आमतौर पर फीमेल ओरिएंटेड वीडियोस ही बनाती हैं। और किसी भी आम लड़की की लाइफ में दिखाती हैं। और जरा सोचिए अगर घर पर सख्त पेरेंट्स हो तो लड़कियों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? ये सब इनकी वीडियोस में देखने को मिलता है।
आज 10 मिनट लेट। क्यों? मम्मी खाना मत बनाना, मैं खा के आई। हाँ हाँ बेटा कोई नहीं, तू ना जाके सो जा, ठीक है? सर में तो दर्द नहीं हो रहा तेरे? वैसे बिल्कुल ऐसे ही बैकग्राउंड से आती है स्वरा भी। जहाँ लड़कियों को इतनी आजादी नहीं दी जाती है। अभी पापा ने कुछ बोला ही नहीं है। अबे चलना यार, बहुत मजा आएगा। यार पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकती। पापा वो नेक्स्ट वीक ना हिमांशी का बर्थडे है, तो मैंने आपको बताया था ना पार्टी है, तो मैं जाऊँ? अगले हफ्ते है ना। और ऐसे में स्वरा के लिए सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना और इसे अपने करियर के रूप में चुनना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कब है? तो कल की कल देखेंगे। गर्लफ्रेंड बना के दिया धोखा, छात्रा का किया मर्डर। बाय पापा, कॉलेज जा रही हूँ। आप एक जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ। तो बैकग्राउंड कैसा है, और यूट्यूब पर जब आप आई, आपने एक्टिंग शुरू की, तो घर पे क्या रिएक्शन था लोगों का? कुछ नहीं, बस बेल्ट पड़ी थी। मजाक कर रही हूँ ऐसा नहीं है, बस जला दी थी पापा ने कॉलेज की। फिर मजाक कर रही है? हाँ, मजाक ही कर रही हूँ। मतलब जनरली जाटों से रिलेटेड ऐसी कुछ उल्टी सीधी बातें की जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी, क्लोजली निट जॉइंट फैमिली है। हर पूरी की पूरी मेरी लाइफ में ही मेरी फैमिली के हर मेंबर का एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो जो कुछ भी हुआ, जैसे जैसे मैंने YouTube शुरू किया, तो दे वर वेरी सरप्राइज, बट इवन आई वॉज वेरी सरप्राइज। मतलब ऐसा हुआ कि कॉलेज में आने के बाद इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए साथ में, कि एक डायरेक्शन में, एक्टिंग के डायरेक्शन में मैं चली गई, और फिर उससे मतलब इतना अच्छा लगा कि इवन पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा। मेरे फादर ने मेरा पहला वीडियो देखा, तो ही वॉज फीलिंग क्वाइट प्राउड, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड ऑल्सो। तो ही नोज, ही वॉचेज द वीडियोज कॉन्स्टेंटली, वो हर चीज़ जज करते हैं, मुझे अलग अलग तरीके का फीडबैक देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो ही इज़ वेरी इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। पापा वो ना कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं कह रही थी ना, तो मैं जाऊँ? लेकिन उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और यहाँ तक पहुँचने में उनकी पूरी मदद की। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है स्वरा। तभी तो आज स्वरा सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम बन गई है। और इनकी फनी वीडियो लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देती हैं। गुड इवनिंग मामा। हेलो बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मामा, बस पढ़ रहे थे, अभी सोने वाले हैं। सुन स्वरा, क्वेश्चन नंबर 7 किया क्या? अभी बताती हूँ मामा, मैं ना बाद में फोन करती हूँ, मैं सुबह घर आती हूँ ना, तब बात करते हैं। ओके मामा, बाय मामा। मेरी पहली वीडियो जो मैं कहूँगी कि वायरल हो गई, वो मेरी ही एक वीडियो थी, एग्जैक्टली एक साल पहले। इसका नाम था बीइंग अ गर्लफ्रेंड, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो वो मेरी वीडियो थी एक क्रिएटर के साथ कोलैबोरेशन में, और उसका एक सीन था, ब्रेकअप का सीन था। तो हमने पार्क में लिया था वो सीन, और मतलब हमने एक्सपेक्टेशन ऐसे दिखाई थी कि ब्रेकअप होता है, लड़का लड़की जो है बहुत क्लियरली ऐसे बोल देते हैं कि हाँ चलो ब्रेकअप, और हाथ मिलाते चले, हाँ चले जाते हैं। और रियलिटी में हमने मतलब बहुत एक दूसरे की बेइज्जती करी थी, मतलब कि तेरी ऊंट जैसी शक्ल है, और तू शतुर्मुर्घनी, और मैं तो, तू निकल यहाँ से, और तू निकल, और मैं नहीं निकलूंगी, मेरे दादा ने यहाँ की पहले ईंट लगाई थी, और ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब बहुत एक दूसरे को सुनाया था उसमें। एक शॉट के लिए हमने, मुझे याद है, ये भी किया था कि जानबूझ के पार्क में बहुत सारे लोग खड़े थे, इवन दो इट्स वेरी अनएथिकल,
बट उस शॉट के लिए, क्योंकि हमारे पास उस वक्त इतने एक्टर्स लोग हुआ नहीं करते थे, तो जो लोग हम खड़े थे पार्क में, हमने उनकी तरफ ऐसे कैमरा मोड़ के चुपचाप और हमने लड़ना शुरू कर दिया उधर. तो जैसे ही वो मुड़े ना, ऐसे ऐसे लोग मुड़े और वो ना देखने लगे कि हो, और सबका रिएक्शन ऐसे था. तो हमने वो कैप्चर करके, एक्चुअल रिएक्शन कैप्चर किया था. तो उस वो जो क्लिप थी वो बहुत वायरल हो गई थी. तू मेरे सर से ना बहती जा रही है, नहीं जम रहा मेरे को तेरे साथ. मैं तेरे सर से बहती जा रही हूँ, तू मेरे सर से झड़ता जा रहा है. हेड एंड शोल्डर्स की जरूरत पड़ गई है मुझे. ओ गरीब, कभी देखा भी तेरे घर में शैम्पू रिन साबुन से तो तुम लोग शक्ल और बाल धोते हो. मैं गरीब? अबे तू गरीब, अभी बास के तो तू जूते पहनता है. तेरे साथ रहना कौन चाहता है? 70 मिलते तेरे जैसे. तू तो बड़ी खूबसूरत है ना. अबे चल, मैं तुझसे ब्रेकअप करती हूँ अभी इसी वक्त. मैंने भी कर दिया. निकल. तू करेगा मुझसे ब्रेकअप? मैं करूंगी तुझसे ब्रेकअप. ऊट जैसी शक्ल के ने आज तक देखा है अपने आप को? एक भी नहीं मिलेगी, अंधी भी नहीं आएगी तेरे साथ. तू देख ले शुतुरमुर्गनी कहीं की अपने आप को. शुतुरमुर्गनी? तू इतना बड़ा हो गया मुझे? अबे चल ब्रेकअप है तुझसे अभी इसी वक्त. मुझे आज के बाद दिख मत जाइयो. और सुन, कॉल करना मुझे आज के बाद, फिर तू देख लियो. तेरे घर पे आके मारूंगी तुझे. तो तू निकल यहाँ से. निकल. तू निकल. तू जा. पहले तू जा. मैं पहले आया था. मेरे दादा ने यहाँ की पहली ईंट लगाई थी. तू निकल. मैं जा रहा हूँ. ब्रेकअप. मैं मेरा टिफिन दे. मैं टिफिन दे. पूर्वी दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहने वाली स्वरा ने दिल्ली के दयानंद विहार के SRDAV पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी का हिस्सा भी रही. और इसी से शुरुआत हुई उनके YouTube के सफर की. मैं हूँ मोटी, मैं क्यों पसंद आऊंगी तेरे को? आजकल ना मैं देख रही हूँ तेरे ना रंग बदलते चला जा रहा है. तू बाहर निकल. क्या? बाहर निकल मेरे घर से. अरे खोलो, चॉकलेट लाए तुम्हारे लिए. क्या सोचकर YouTube को एज अ करियर चुना? जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली, मतलब करियर वाइज ऐसे कुछ करूँगी. मेरा पहला वीडियो जो था वो बस एज अ हॉबी मैंने डाला था. जैसे फ्री टाइम में हम छोटी मोटी चीज़ें करते हैं, कोई पेंट करता है, कोई ड्रॉ करता है. तो मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था कॉलेज के टाइम पे, तो मैंने इसलिए डाल दिया एक वीडियो. और धीरे 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 करके मतलब एन्जॉयमेंट बढ़ने लगा, मैं पैशनेट होने लगी उसके बारे में काफ़ी. और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत बहुत सारा प्यार एक्चुअली मुझे मिला, जिसकी वजह से धीरे 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 करके ना मैं मतलब बस रमती गई उसमें और वो आज ऐसा बन गया. अपने करियर से बेहद खुश है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर वो आज ये नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती? इस बात का जवाब स्वरा से ही जान लेते हैं. सुनो नेहा, तुम्हें घर जाना था ना, तुम जा सकती हो. सॉरी, आप नेहा, आप घर जा सकती हो. देखा, तमीज. I had never thought that I would be acting. That was very far from what my plans were. ज़्यादा मैंने ये सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज कर लूँगी.
तो पढ़ाई सिविल सर्विसेज करना चाह रही थी लेकिन फिर यूट्यूबर बन गई। हाँ मतलब ये तो दैट मस्ट हैव बीन अ शॉकर। वेरी मतलब लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट नो इन माय फैमिली सो बिकॉज इट्स बीन वेरी स्लो अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें बहुत सारी चीजें हो गई हैं। कैलकुलेशन कर रही थी फोन में। कैलकुलेशन ना दिमाग में करोगी तो ज्यादा फायदा होगा। रखो इसे। फाइनेंस कमीशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर एनुअल बजट फॉर गवर्नमेंट। स्वरा बेटा यानी स्वरा को कोई गम नहीं है, वो वही कर रही हैं जो उनका दिल चाहता है। शुरू शुरू में तो ना बहुत मीठे बनते हैं, भोले बनते हैं, सीधे बनते हैं, उसके बाद तुम्हारा जीना हराम कर देते हैं। पर तू क्या तरफदारी कर रही थी उसकी? हाँ तुझे पता नहीं मैं सख्त लौंडिया हूँ, इस सदी की पहली सख्त लौंडिया। सख्त लौंडिया है वो। तो देखा आपने कैसे 23 साल की स्वरा ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल कर लिया है। ए, क्या है? पीछा क्यों कर रहा है? साले एक रख के दूंगी ना दिमाग का सारा भूसा मारा जाएगा तेरे। ठीक है हम जा रहे हैं और आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आपकी सहेली आत्महत्या करने जा रही है। क्या? ए, रुक, क्या बोल रहे? वो लड़की जो आपके साथ घूमती है यानी कि आपकी सहेली आत्महत्या करने जा रही है चौपटिया पे। और उन्हें लोग पहचानने लगे हैं और यही बात है जो उन्हें मोटिवेट करती है। प्यार करता है ना, इतना अच्छा है वो, किसी और लड़की को तो वो मुड़ के भी नहीं देखता। तेरा बॉयफ्रेंड है। स्वरा उधर देख। देख बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, पता है बिल्कुल ना ऐसे ही चुम्मियां लेता है वो मेरी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैसेजेस या कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं और हम जो है उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाते। मतलब देख भी लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 6-6 महीने बाद देखने को मिलते हैं या मतलब कोई ऐसा रिव्यू में चले जाता है वो यूट्यूब पे कमेंट्स या कुछ या मैसेजेस, तो हम रिप्लाई कर नहीं पाते। लेकिन हम सच में रिप्लाई करना चाहते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं या अब हम बड़े आदमी बन गए हैं तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे या मतलब तुम में कितना एटीट्यूड, ये सब नहीं होता। हम सच में रिप्लाई करना चाहते हैं और हम सच में बहुत बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से और आप लोगों के लिए ही हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपकी किसी कॉमेंट या मैसेज का हम रिप्लाई ना कर पाएँ तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, और आपके प्यार की वजह से ही हम यहाँ पर हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। ये देखो इस नागिन को देखो जरा, इससे एक बार ही टॉप मांगा था, इससे टॉप नहीं दिया गया। देखा कैसे इस सब के लिए स्वरा अपने घर वालों और अपने फैंस का योगदान मानती है। ये सारी नेगेटिव एनर्जी ना मेरे को फैलानी पसंद नहीं है, सही बता रही हूँ। मुझसे पता है क्या बोलती? तूने सुना है कभी मैंने आज तक किसी के बारे में कुछ बोला हो? वो खुद तो नागिन जैसी अपने फन में ना जहर भर के बैठी हुई है ये। छोड़ ना, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। एक बार घर तो आके दिखा दे, सुअर छोड़ दूंगी इसके पीछे। तुझे पता है हम ना रोज कॉलेज से घर साथ आते हैं और जब से मैंने टॉप वाली बात करी है ना उसने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई। खट्टा है यार पिंकी, कैसे भी याद होने ओ हो कतई छुई मुई हो रही है। बताओ तुझे इससे ये पता चलता है कि ये बड़ी हम्बल और डाउन टू अर्थ है। बेबी यहाँ नहीं। यहाँ क्यों नहीं यार? इसको देखो घूर रहा है। तो सामी क्या करना है? अब
सस्तन हो क्या? और यही तो एक सच्चे कलाकार की पहचान है। हेलो, हाय वी, व्हाट्स अप? ओह, कोई बात नहीं, मैं तो अभी घर से निकली भी नहीं थी। वी कैन ऑलवेज मीट लेटर, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? हेलो, हाँ यार गर्वित, तुम्हारा ना हर बारी का यही होता है। तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी सीपी पहुंच चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए, अकेले हूँ यार मैं। तुम तो थके हुए हो, ऐसा करो तुम ना बेड पे आराम से मजे करो, मैं वापस घर चली जाती हूँ, क्योंकि तुमने तो मेरा टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ और करना नहीं है। ठीक है, ओके, अच्छा तो फिर जल्दी आओ।